अस्सलामुअलैकुम। आदिल खुशी यूट्यूब चैनल की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में खुश आमदीद। अभी मैं गाड़ी दिलवाने के लिए जा रहा हूँ, तो सोचा क्यों ना मैं अपने नाजरीन के लिए भी एक वीडियो बना लूँ और दिखा सकूँ कि जर्मनी के अंदर गाड़ी कैसे धोई जाती है। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा कि जर्मनी के अंदर गाड़ी कैसे धोई जाती है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि किस किस तरह से और क्या क्या तरीके हैं जर्मनी के अंदर गाड़ी धोने के लिए। तो चलें शुरू करते हैं आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सबसे पहले तो आप ये देखें, काफ़ी गंदी हो चुकी है। ये कुछ परिंदों ने भी कार्रवाइयाँ डाली हुई हैं। और पीछे भी ये देखें, ये मेरे बेटे की कारस्तानियाँ। तो मैं आपको इसके धोने के बाद भी दिखाऊंगा कि क्या सिस्टम है और कैसी होगी। ये देखें काफ़ी गंदी है, तो होपफुली रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा होगा। जी नाजरीन, तो ये बेसिकली ऑटोमेटिक कार वॉश है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि मेरे सामने गाड़ी गुजरती है तो ये ऑटोमेटिकली दोनों साइडों से पानी आ जाता है। तो आप ये देख लें, इधर से भी चारों साइड से पानी आ रहा है और वो हल्का फुल्का ये साबुन लगाई जा रहा है। मेरे ख्याल में जैसे जैसे आप गुजरते हैं ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो वो सारा कुछ खुद ही करी जा रहे हैं ना। उसके बाद ये एक बंदा मैनुअली जैसे पे पानी मारे ताकि जो गंद वगैरह लगा होगा आपके टायरों पे या ऊपर नीचे उससे साफ़ हो सके ना। फुल प्रेशर के साथ पानी का ये है, ये आप देख सकते हैं नीचे से टायरों से जो गंदगी वगैरह उतारने के लिए प्रेशर पानी का बोतल है। तो ये इसके पैकेज हैं 10, 15, 20 पैकेज। मैंने लिया इंटेंसिव पैकेज और कार्ड से यहाँ पे ये पेमेंट हो रही है। तो फुल पैकेज है, अंदर से भी साफ़ करेंगे और बाहर से भी साफ़ करेंगे। आगे ऑटोमेटिक मशीन है, हमारे कंट्रोल से गाड़ी न्यूट्रल हो चुकी हुई है और आगे मशीन करेगी सारा कुछ। तो ये आप देखें आगे सारा अब मशीन करेगी। ये साबुन वगैरह लग रहा है मशीन, और ये देखें आप साबुन लगाएगा। मैंने इंटेंसिव क्लीनिंग करवाई है, ये आप देख सकते हैं हर जगह से साबुन लगाएंगे। ये आगे ये स्क्रीन की क्लीनिंग होगी इस तरह। ये साबुन वगैरह लगा के चारों साइडों से। अब ये आगे से ये क्या कह सकते हैं, वाइपर्स हैं। ठीक है, और उसके बाद ये मेरे ख्याल में अब पानी का प्रेशर नीचे से, और अब ये पानी का प्रेशर जाएगा। अब चारों साइडों पे पानी का प्रेशर आएगा। यहाँ से सेंसर लगे हुए हैं सारे, आपने कुछ भी नहीं करना, गाड़ी में बैठना है, गाड़ी खुद ही चल रही है, गाड़ी ये बंद है। चारों साइडों से ये हो रहा है सेंसर की मदद से। अब यहाँ पे ये कोई हवा का प्रेशर है ना, चारों साइडों से बढ़ रहा है। मतलब ये 4-5 मिनट का काम है अगर आपने बाहर से सिर्फ गाड़ी साफ करवानी है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये काम खत्म। इसके बाद फिर हमारी इंटरनल क्लीनिंग है, वो फिर बाद में आगे जाके मैं करता हूँ। तो आप एक्सप्रेस करवाएंगे, मतलब सारी साफ़ करवाएंगे तो वो ऑटोमेटिक मशीन के बाद ये भाई फिर आपकी इस तरह से सारी क्लीनिंग कर देंगे इंटेंसिव किस्म की। ये दो बंदे लगे हुए हैं, कि तकरीबन आधा घंटा लगेगा अगर इंटेंसिव क्लीनिंग करवानी है आपने। लेकिन अगर नॉर्मल करवानी है, मतलब ये जो बाहर बाहर से, तो वो तो फिर 5 मिनट का काम है। कुछ भी नहीं करना, अपने गाड़ी में बैठना है तो वो ऑटोमेटिकली सारा कर देंगे। तो ये सर्विस सेंटर है यहाँ बर्लिन के अंदर, काफ़ी बड़ा है। अगर इंटेंसिव एक्सपर्ट सर्विस लेनी है तो आधा घंटा, अगर नॉर्मल क्लिनिक करवानी है तो 5 मिनट। आपने एक्सप्रेस और या इंटेंसिव क्लिनिक नहीं करवानी तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप वो एक दफ़ा मशीन अंदर से कराएं ऑटोमेटिक से, और उसके बाद आके ये आप मैनुअली भी खुद भी कर सकते हैं। अगर आपके पास सारा कुछ है क्लिनिक करने वाला सामान वगैरह है तो आप आएँ, यहाँ पे ये वैक्यूम लगा हुआ है तो आप आके यहाँ पे करवा सकते हैं। तो इसके कोई पैसे नहीं, अगर आप अपने खुद करनी है। या देखें ये सिर्फ 2 यूरो है मेरे ख्याल में, तो अगर आप देख सकते हैं डिपेंड अपॉन यू कि आपको कैसे चाहिए। मैंने पहली दफ़ा करवानी थी कि 5-6 महीने के बाद, तो मैंने सोचा क्यों ना इंटेंसिव भी करा ली जाए एक दफ़ा। जर्मनी के अंदर अगर आपने गाड़ी दिलवानी है तो पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट की तरह ये नहीं है कि पाइप निकाला और आपने गाड़ी धो ली। यहाँ पे आपको बाकायदा किसी सर्विस स्टेशन पे आना पड़ता है अगर आपने गाड़ी खुद भी धोनी है तो यहाँ पे 3 तरह की है। एक तो है कि आप जाएँ, कोई सर्विस स्टेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं पानी और साबुन वगैरह की, आप अपनी गाड़ी लेके जाएँ, खुद ही साबुन लगाएँ, सारा कुछ मैनुअल जिसमें पाकिस्तान में करते हैं तो वो जाके उस सर्विस स्टेशन पर लगाएँ। दूसरा ये है कि आप लेके जाएँ तो उनका भी बंदा बैठा होगा तो वो खुद ही आपको गाड़ी वाश करके साफ करके दे देगा। मैं आया हूँ ना ऑटोमेटिक। यहाँ पे आपने क्या करना है तो आपने गाड़ी सिर्फ बाहर से साफ़ करवानी है तो इसलिए आपने क्या करना है, ये 5 यूरो से लेकर भी तकरीबन 10-15 यूरो तक है। डिफरेंट पैकेजेस हैं, जो आपको पसंद है उस तरह का आप पैकेज ले सकते हैं। तो आपने करना क्या, सिंपली जब जैसी गाड़ी उनके सिस्टम के अंदर पहुँच जाएगी ना, वो जो उनका एरिया बना हुआ है तो वो गाड़ी उनके कंट्रोल में चली जाती है। तो वो सिर्फ 4 से 5 मिनट की गेम है। आप गाड़ी के अंदर बैठे रहेंगे, गाड़ी बंद कर देंगे, गाड़ी उनके कंट्रोल में चली जाएगी, टायर वगैरह। तो आगे जो काम है जो अभी आप पीछे आपने वीडियो में देखा ही होगा वो खुद ही आपको ऑटोमेटिकली साफ कर देगी। उसके बाद जो इंटरनल क्लीनिंग है उसके लिए आपके पास 2 तरह की ऑप्शन हैं। या तो अगर आपके पास सारे रेनिगन है या वो जो क्लीनिंग स्टफ़ है अगर आपके पास है तो वो आप सिंपल लेके आए। ये जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं डिफरेंट लोग बैठे वो क्लिनिंग कर रहे हैं ना खुद ही। तो अगर आप खुद क्लीनिंग करना चाहते हैं, आपके पास सारा सामान है तो यहाँ आएँ, सब अंदर से 5-6 यूरो में साफ़ करवाएँ और यहाँ पर खुद क्लीनिंग कर लें। लेकिन अगर आपको लगता है कि जी आपकी गाड़ी ज़्यादा जो ख़राब है, जिसका मेरी 5-6 माह हो गया मैंने साफ़ नहीं करवाई थी, तो बहुत ज़्यादा गंद मचा हुआ था अंदर से भी बाहर से, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं फुल पैकेज ले लूँ। तो वो मेरी वो जिस तरह आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा तो वो 2 भाई लगे हुए हैं। वो ये थोड़ा सा महंगा है, मतलब मैंने 35 यूरो पे किया है। बाहर से भी उसने साफ़ किया, डिफरेंट जैसे आप पैकेज देंगे उस तरह से वो सोप की क्वालिटी डिफरेंट होगी, सारा कुछ डिफरेंट होगा, सिस्टम उनका वो जो लिक्विड डालते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो 35 यूरो में बाहर से भी साफ़ हो जाएगी, अंदर से भी साफ़ हो जाएगी। मैंने आपको पहले भी वो वीडियो दिखा चुका हूँ वो मेरी गाड़ी की हालत से पहले। उसके बाद जब ये क्लीन हो जाएगी सारे अच्छे तरीके से तो उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि क्या फ़र्क है, तो फिर आप बताइएगा कि वर्थेबल है कि नहीं। ठीक है, तो चलो देखते हैं जाते हैं तो कहाँ तक हमारी सफाई पहुँची। तो ये बेसिकली ये हुई है साफ सारी ना अच्छे से। तो ये अंदर से भी मेरे ख्याल में तो वर्थेबल है वो, सुकून के साथ 4-5 महीने बाद बंदा अच्छे से करा ले या 2 महीने बाद एटलीस्ट। जी तो नाजरीन कैसी लगी आपको ये सर्विस क्लीनिंग हेयर इन जर्मनी? उम्मीद है कि इंफॉर्मेटिव होगी, आपको कोई नई चीज़ जानने के बारे में मिली होगी जर्मनी के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखें। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।